कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के चपेट में कई बॉलीवुड स्टार्स भी आ गए हैं। वहीं बैक टू बैक हिट फिल्मों को लेकर चर्चा में बने हुए एक्टर कार्तिक आर्यन दूसरी बार कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। इस बात की जानकारी कार्तिक ने खुद शेयर की है। कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट फिल्म भूल भुलैया 2 के एक स्टिल को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, सब कुछ इतना पॉजिटिव चल रहा था, कोविड से रहा नहीं गया। आपको बता दें कि कार्तिक दूसरी बार कोविड पॉजिटिव हुए हैं। इससे पहले वो मार्च 2022 में कोविड पॉजिटिव हुए थे। उन्होंने उस समय भूल भुलैया 2 की शूटिंग पूरी की थी। वहीं कार्तिक आर्यन के बाद आदित्य रॉय कपूर भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि आदित्य रॉय कपूर को कोरोना के बेहद हल्के लक्षण हैं, लेकिन फिर भी उनकी अपकमिंग फिल्म ओम द बैटल विद इन का प्रमोशन आगे बढ़ा दिया गया है। खबरों के मुताबिक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक बड़ा इवेंट प्लान किया गया था, लेकिन आदित्य के कोविड पॉजिटिव होने के बाद अब इसे शायद आगे बढ़ा दिया जाएगा। पिछले कई दिनों से मुंबई में कोविड के मामलों में उछाल देखा गया है, जिसका असर फिल्म इंडस्ट्री पर साफ नजर आ रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में शनिवार यानी कि 4 जून को कोविड के 1357 नए मामले सामने आए थे, जबकि एक दिन पहले राज्य में संक्रमण के 1134 मामले सामने आए थे। हालांकि महाराष्ट्र में मास्क का इस्तेमाल कंपलसरी नहीं किया गया है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने हाल ही में कहा था, ये सिर्फ एक अपील है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला एवं नगर निकाय अधिकारियों को एक पत्र लिखकर कोविड 19 की जांच बढ़ाने के अलावा लोगों को ट्रेन, बसेस, ऑफिस, हॉस्पिटल, सिनेमा घर, सभागारों, स्कूल, कॉलेज में मास्क पहनने की सलाह दी है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी हिदायत दी थी कि यदि लोग पाबंदियां नहीं चाहते तो कोविड 19 से बचाव के नियमों का पालन करें। इसके अलावा दिल्ली में भी 4 जून को कोरोना के 405 नए मामले सामने आए थे। उससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के 345 मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण दर बढ़कर 2.07% हो गया है। इसके अलावा तमिलनाडु और केरला में भी कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।